नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से प्रदेश के 34 पुलिस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इसमें करनाल के एसपी रहे सुरेंद्र सिंह भोरिया के स्थान पर गंगाराम पुनिया को करनाल का एसपी बनाया गया है। गंगाराम पुनिया हिसार में बतौर एसपी तैनात थे। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने करीब आधा दर्जन से अधिक जिले में तैनात एसपी इधर उधर कर दिए हैं। हरियाणा स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में तैनात आईपीएस अधिकारी डॉक्टर एम रवि कृष्ण को स्टेट विजिलेंस ब्यूरो का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। उन्हें इस विभाग का आईजी बनाया गया है। आईपीएस अधिकारी राकेश आर्य को रेलवे का अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया है। आईपीएस अधिकारी कुलविंदर सिंह को गुरुग्राम का संयुक्त कमिश्नर बनाया गया है। आईपीएस अधिकारी डॉक्टर अरुण सिंह को हरियाणा के मधुबन का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। आईपीएस अधिकारी अशोक कुमार अब स्टेट विजिलेंस ब्यूरो के डीआईजी बनाए गए हैं। आईपीएस अधिकारी ओम प्रकाश को एसपी जींद लगाया गया है। इसके अलावा आईपीएस अधिकारी नासनीन भसीन को भोंडसी स्थित सेकेंड कमांडो का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। नेवल कमांडो के एसपी मधुबन भेजे गए हैं। आईपीएस अधिकारी कुलदीप सिंह स्टेट विजिलेंस ब्यूरो के एसपी नियुक्त किए गए। आईपीएस अधिकारी कृष्ण मुरारी को सुनारिया स्थित थर्ड कमांडो में भेजा गया है। आईपीएस अधिकारी बलवान सिंह राणा को हिसार का एसपी बनाया गया है। आईपीएस अधिकारी डीके भारद्वाज को गुरुग्राम में ट्रैफिक डीसीपी लगाया गया है। आईपीएस अधिकारी सुलोचना कुमारी को मानेसर से फरीदाबाद का एसपी लगाया गया है। आईपीएस अधिकारी संगीता रानी को एआईजी का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। आईपीएस अधिकारी राजेश दुग्गल अब कुरुक्षेत्र के एसपी होंगे। आईपीएस अधिकारी सुरेंद्र पाल सिंह को जीआरपी का अतिरिक्त भार दिया गया है। आईपीएस अधिकारी राजेंद्र कुमार को राज्यपाल का एडीसी नियुक्त किया गया है। राज्यपाल के एडीसी सुमेर प्रताप सिंह को भिवानी का एसपी नियुक्त किया गया है। आईपीएस अधिकारी स्मृति चौधरी को सीएडब्ल्यू का अतिरिक्त भार दिया गया है। आईपीएस अधिकारी आस्था मोदी को गुरुग्राम हेडक्वार्टर का डीसीपी नियुक्त किया गया है। आईपीएस अधिकारी हिमांशु गर्ग अब झज्जर के एसपी होंगे। हिसार के एसपी गंगाराम पुनिया को करनाल का एसपी लगाया गया है। इसके अलावा गंगाराम पुनिया को एसटीएफ अंबाला का अतिरिक्त चार्ज भी दिया गया है। आईपीएस अधिकारी नकिता गहलोत को मानेसर का डीसीपी लगाया गया है। आईपीएस अधिकारी डॉक्टर अर्पित जैन को फरीदाबाद हेडक्वार्टर का अतिरिक्त डीसीपी लगाया गया है। आईपीएस अधिकारी मकसूद अहमद को ईस्ट गुरुग्राम का डीसीपी लगाया गया है। इसके अलावा एचपीएस अधिकारी दीपक सहारण को पश्चिम गुरुग्राम का डीसीपी नियुक्त किया गया है। एचपीएस अधिकारी विजय प्रताप सिंह को हरियाणा स्टेट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का एसपी तैनात किया गया है। करनाल में तैनात एसपी सुरेंद्र सिंह भोरिया अब सुरक्षा के इंचार्ज बनाए गए हैं। इनके साथ साथ उन्हें नेवल कमांडो का एसपी भी तैनात किया गया है। एचपीएस अधिकारी भूपेंद्र सिंह अब सिरसा के एसपी बनाए गए हैं। एचपीएस अधिकारी विनोद कुमार चरखी दादरी के एसपी बनाए गए हैं। एचपीएस अधिकारी राजेश कालिया को एसपी अंबाला के साथ साथ वेलफेयर का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। एचपीएस अधिकारी सुमेर सिंह बल्लभगढ़ के डीसीपी होंगे। एचपीएस अधिकारी कृष्ण कुमार मधुबन में 5वीं बाल्टीन में तैनात किए गए हैं, जबकि एचपीएस अधिकारी अनूप सिंह को मानेसर के स्थित 4थी बाल्टीन में भेजा गया है। यह सभी आदेश आज ही जारी हुए हैं।
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।